एक बार की बात है, एक चिड़ियाघर में एक चोरी हुई। चोरी की जांच के लिए जासूसी मेहुल को तुरंत बुलाया जाता है। मेहुल उस लड़की के साथ बोलता है जिसका हैंडबैग चोरी हो गया था। लड़की पूरी घटना का विस्तार में वर्णन करती है। चिड़ियाघर की वर्दी पहने एक व्यक्ति हमारे पास आया और मेरे बैग को हमसे छीन लिया और वहां से भाग गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई थी। सर, मेरा बैग हमको दिला दो, उसमें बहुत ही कीमती कीमती चीजें रखी हुई थीं। मैं उसके लिए जो भी कहेंगे वह करने के लिए तैयार हूं सर, प्लीज। मेहुल ने चिड़ियाघर के सभी कर्मचारियों पर नजर रखना शुरू कर दिया, तो उसी दिन ही उसने पाया कि चोर कौन है। क्या आप उन पर एक नजर डालकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? मेहुल ने तो पता लगा ही लिया है, अब आपकी बारी है। आप देख सकते हैं कि इसमें तीन कर्मचारी अपने अपने काम पर है, जैसे कि एक जेब्रा को कुछ खिला रहा है और दूसरा हिरण को मांस खिला रहा है और तीसरा बतख को पानी पिला रहा है। अब समझे आप नहीं समझे, मैं बताता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। जो दूसरा वाला यानी कि जो भी वाला है वह हिरण को मांस खिला रहा है, जबकि हिरण तो वेजिटेरियन होता है। इस आदमी ने चिड़ियाघर के कर्मचारियों के रूप में कपड़े पहने और बैग चुरा लिया है। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।